चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ केडिया नॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़ गए हैं जो जाने जाते हैं अपने बिग एंड बोल्ड कॉल्स के लिए। सुशील गुड मॉर्निंग। मैं इंडेक्स पर आऊँ इससे पहले आई थिंक 2 हफ्ते पहले आपने हिंडालको पर एक शॉर्ट व्यू लिया था, उस समय आपने 350 का प्राइस टारगेट लिया था, मुझे उस समय काफ़ी हैरानी हुई थी। आज हम 500 के करीब हैं, क्या ये वो आपका टारगेट इंटैक्ट है, क्या यहाँ पर अभी भी शॉर्ट्स रखे जाएँ? अनुज 450 कहा था शायद, मैंने स्लिप ऑफ द टंग होके 350 भी हो गया तो बड़ी बात नहीं है, मुंह से बातें निकल जाती है। पर अब ये जो मैसिव क्रैकडाउन हो गया ना एक ही दिन में 13% गिरने का, पर ये एक ही दिन में 13% कल भारत फोर्ज भी गिरा था, स्मॉल कैप इंडेक्स पे भी हम आएंगे। एक ही दिन में एक साथ बहुत बड़ी चाल जब आती है तो जो भी स्टॉप लॉस बेस्ड लोग होते हैं जिन्होंने मार्जिन पोजिशन ली हुई है वो खुद काट देंगे, नहीं तो उनका ब्रोकर काट देगा। तो बहुत बड़ी तादाद में लॉन्ग्स का सफाया हो जाता है जब इतना बड़ा फॉल एक ही दिन में आता है। तो यहां पे शॉर्ट करने वाले को कि भाई 450 तक की जगह बाकी है, बहुत सोच समझ के काम करने की जरूरत है। रीबाउंड में बेचिए, एक बार के लिए 450 तक लगता है और हो सकता है उसके बाद थोड़ा रीबाउंड देके अंततः लास्ट में ये 400 तक चला जाएगा। ओके, 400 चला जाएगा। अच्छा, PSUs में थोड़े कॉशियस थे आप पिछली बार जब आप आए थे, ये क्या एक बार में क्लेंजिंग आउट हो गई या अभी यहाँ पर और क्लेंजिंग आउट की जरूरत है? सिर्फ कॉशियस ही नहीं था अनुज, मैं तो चीख चीख के कह रहा था कि अगर प्रॉफिट टेकिंग कोई करता है और अपने रकम के प्रति अपने धर्म का दायित्व तो करता है तो किसी भी हालत में देशद्रोही नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा कि करेक्शंस नहीं आएंगे, तो अब वो जो करेक्शन आए तो लोग जो चीख रहे हैं करा रहे हैं। तो देखिए डिफेंस के स्टॉक्स में तो मुझे लगता है कि यहां से आज मैक्सिमम आप कल तक पकड़ लो, ब्रॉडली स्पीकिंग सारे ही डिफेंस के स्टॉक्स में एक नया हाई और आना चाहिए और उस तरफ चाल ऑलरेडी माजगांव डॉक और कोचिन शिपयार्ड ने आज ऑलरेडी शुरू कर दी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी तैयार है, भारत फोर्स हो सकता है एक दो दिन लगाए, पर ब्रॉडली डिफेंस के तो सारे स्टॉक्स में एक नया हाई आना चाहिए। अब आते हैं जो PSUs के अंदर ऑयल स्टॉक्स हैं, तो वो जो अति मच गई है वहां पे रीबाउंड में हम इन्हें लेंगे नहीं, रीबाउंड आने पर हम वापस वेट करेंगे शॉर्ट सेल सिग्नल का। देखिए उस कोचिन रिफाइनरी जैसा स्टॉक, चेन्नई पेट्रोल जैसा स्टॉक 150 में लेके जो लोग 600 650 में निकल गए वो 850 में हमारे जैसे लोग ले ही नहीं पाएंगे। तो हम तो टाइम टू टाइम इनको बेच के ही कमाने के सिग्नल्स को देखेंगे और रीबाउंड में हम सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और इवन ONGC अब हमारे लिए शॉर्ट की कैटेगरी में आ सकता है, पैटर्न कंप्लीट होने को आ गया। तो हर चीज का एक समय आता है और इन सब ने एक अपने हिस्से की अति हद के बाहर मचा ली। और अब अगर मैं साथ ही जोड़ दूं, देखिए जो स्मॉल कैप और मिड कैप में त्राहिमाम मचा था, आपकी अनुमति से मैं रोचक इंडेक्स आपको दिखाना चाहूंगा मेरे स्क्रीन पे। PCR प्लीज दिखाएं जरा ये BSE स्मॉल कैप इंडेक्स की चार्ट को। तो वैसे तो देखने में देखिए BSE स्मॉल कैप इंडेक्स ने कल बिल्कुल त्राहिमाम मचा दिया कि एक्सट्रीम फॉल आ गया, ये इतना बड़ा एक्सट्रीम फॉल आज खुलने के बाद ये एक हैमर कैंडल बना रहा है। और मैं अगर आपको आवरली चार्ट पर थोड़ा सा विश्लेषण दिखा सकूं, ये जो टॉप था ना अनुजी, लास्ट हाई जो था ये 5 वेव में नहीं था, इसको दोबारा एक बार टूटना पड़ेगा। एक बार तो कम से कम इसके ऊपर जाएगा ये इंडेक्स। और जैसे ये अगर आप मेरे निफ्टी कॉल को देखो कि अब हम निफ्टी पे ऑलरेडी इंट्राडे में आज वो ट्रिगर सिग्नल आ गया आपसे बात करने के 5-10 मिनट पहले, अब अगला पड़ाव निफ्टी पे अगर 22450 का लगता है तो ये स्मॉल कैप इंडेक्स को भी 43,000 से वापस 47,000 आना है और एक नया हाई स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स में निफ्टी में और डिफेंस स्टॉक्स में सभी में आता लगता है। पर वो अगले हाई पे फंसने की बजाय बहुत जोर से पूरी ताकत से बाहर निकल जाना चाहिए, उस हाई के बाद सब्सटेंशियल करेक्शन वापस आना चाहिए। सॉरी, तो फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी में अभी के लिए लॉन्ग रहे मतलब आपके हिसाब से? देखिए बैंक निफ्टी निफ्टी से पहले आज इंट्राडे में चल रहा है, पर अगर मैं आपको थोड़ी सी चार्ट का विश्लेषण दिखा पाऊं तो बैंक निफ्टी मुझे नहीं लगता है कि अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस कर पाएगा। ये देखिए हमारा प्रोजेक्शन है कि ज्यादा से ज्यादा हम एक बार के लिए फिलहाल के लिए प्रोजेक्शन है कि 48,000 भी नहीं जा पाएंगे। और निफ्टी की चार्ट पे अगर आप देखो तो प्रोजेक्शन स्पष्ट है, निफ्टी ने ये बी वेव का ट्रायंगल बनाया है। यहाँ पे आप ये देखिए ये बी वेव ट्रायंगुलर पैटर्न है और ये मेरी एनालिसिस प्री मार्क है वो आ गई। तो 23,500 बहुत बाद की बात है, अभी तो हम एक बार
22,300 से लेके 22,400 के बीच का पॉइंट देख रहे हैं, उसके बाद फिर करेक्शन है। तो मुझे लगता है इलेक्शन तक घूम फिर के इंडाइसेस तेजी में रहेंगी और 23,500 तक की जगह इलेक्शन के परिणाम आने तक मैं लेके चलता हूं। अगला पड़ाव 22,400। तो सुशील, अब एक स्टॉक स्पेसिफिक कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग आइडियाज यहां से, कोई ठीक है, नेक्स्ट रॉकेट कॉल्स? देखिए बंधन बैंक एक रॉकेट हो सकता था, पर कल जिस तरह से उसको कूट पीट दिया गया है, तो हम इंतजार करेंगे। बंधन बैंक में हमारे हिसाब से अगली चाल जो है, अब उतनी बड़ी चाल को खाने के लिए, हाथी को खाने के लिए आपको फॉर्क एंड नाइफ यूज करना पड़ेगा टुकड़े टुकड़े में। मेरा प्रोजेक्शन बंधन बैंक पे अगला पड़ाव जो है वो 350 रुपए का है, और उसकी एंट्री हमें राइट टाइम पे बनानी पड़ेगी। स्टॉक को बहुत ज्यादा दबा दिया गया है, 1-2-3 दिन समय ले सकता है। बाई सिग्नल अभी तक आया नहीं है। हम किसी भी हालत में बंधन बैंक या ना बेचेंगे ना शॉर्ट करेंगे, जो है उसको संभालेंगे, और अगले 1-2-3 दिन में अगर ये बाई सिग्नल आ जाता है तो 4-5 महीने के अंतराल में ये मुझे बंधन बैंक 350 लगता है। अनु ऑलमोस्ट सारे के सारे लार्ज कैप्स चलेंगे, पर अब कौन सा बेटर चलेगा कौन सा कम चलेगा वो समय के साथ देखना है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे दिखाऊं, बैटको ने बोल दिया कि हम ITC बेचेंगे। मैं देख नहीं पा रहा हूँ स्क्रीन, मैं अपने स्क्रीन को देख रहा हूँ, पर PCR मुझे उम्मीद है मेरे स्क्रीन को लगातार शेयर कर रहा है। अब ITC की चार्ट को ऐसे कूट पीट देने के बाद अनाउंसमेंट अगर आती है कि बैटको स्टेक बेचेगा, तो ये अज्यूम कर लेना कि बैटको दूध पीता बच्चा है, वो पानी के भाव अपने शेयर बेच देगा, वो बाजार भाव शेयर बेच देगा, और उस पर ओवर रिएक्ट करके माल बेचना बहुत बड़ी मूर्खता है। ITC की चार्ट इंतजार में है कि जैसे ये पलटेगी, ब्लू लाइन के ऊपर गई और हमें कोई संकोच नहीं होगा, जैसे हमें हिंडाल्को में कॉल निकालने में संकोच नहीं था, कि अगली चाल ITC की 550 रुपए की है। बैटको दूध पीता बच्चा है जो 400 के भाव में अपने शेयर बेच देगा, 350 में बेच देगा, सर्किट लगा लगा के माल बेच देगा, ये सब सोच गलत है। चार्ट एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है और बैड न्यूज पर भी स्टॉक का रिएक्शन कुछ नहीं है। तो अब बाटा का स्टॉक है जैसे, यहां से 50% बढ़ सकता है 6 महीने में। तो टाइम टू टाइम अनुज अलग अलग स्टॉक्स रॉकेट बन जाएंगे। मैं रॉकेट की अपेक्षा से सौदे नहीं कर रहा, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपको मैं PVR की चार्ट दिखाता हूँ। एक सेकेंड देखिए सुशील, PVR में लास्ट टाइम हमने आपके बार बार रेगुलर गेस्ट जो आते हैं राहुल अरोड़ा, ने दोनों का बड़ा तेजी में ध्यान था कि 1700-1800 तक का भाव हुआ, करेक्शन आ गया, जो डबल बॉटम बन रहा है। मैं इंतजार में हूं कि 1-2-3 दिन जो भी लगेंगे कंफर्म रिवर्सल पैटर्न आने दीजिएगा, प्रीएम्प्टिवली मत लीजिएगा। और ये यहां से अगर बाई बना तो अगला मोड PVR में हो सकता है 2 महीने में 50% के रिटर्न दे दे। तो अभी ठीक भी है, बाजार में अलग अलग जगह पे बड़े बड़े रॉकेट्स फिर से बनेंगे, इंडाइसेस बार बार बाई द डिप्स मोड में ही है, और कुछ सुशील कुछ स्टॉक मैं के एक पॉकेट। बार नहीं, वो मैं समझ गया, मैं एक बार ITC वाली कॉल पे आपका थोड़ा सा मैं वो कह रहा था, नहीं वो आपकी बात ठीक है कि बैट कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, लेकिन इशू ये है कि भाई सेल करना बैट का कॉल है, किस प्राइस पर सेल करना है वो तो मार्केट डिसाइड करेगी ना। अगर मार्केट, अगर स्टॉक गिर रहा है तो गिर रहा है, वो चार्ट दिखा रहा है कि गिर रहा है स्टॉक। अरे भाई अब तक गिरते गिरते अभी ओवरसोल्ड है, मैं यहां नहीं बेचूंगा। मैं इंतजार में हूं कि जैसे 1-2 दिन में रिवर्सल दे, 2-3 दिन के बाद भाव के ऊपर बंद देगा और इस ब्लू लकीर के ऊपर बंद देगा। सिंपल आइडिया है, आई डोंट वांट टू जज, मुझे कोई जजमेंट नहीं करना, मुझे कोई व्यू नहीं लेना, मैं कुछ नहीं करूंगा ITC में। और अगर ये ब्लू लाइन के ऊपर चला गया तो मैं लंबा दांव लगा दूंगा इसमें, छोटा मोटा दांव नहीं, क्योंकि चार्ट की एनालिसिस बोलती है अगला मोड 550 का। बैट वापस मना कर देगा, नहीं बेचना है, बैट बेचते बेचते एक सागल लगा देगा, तो क्या मार्केट का प्राइस बैट के लिए अटका थोड़े रहेगा। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा एक आखिरी सवाल, एक कुछ आपने पिछली बार आई थिंक कुछ 3-4 महीने पहले हमने बात की थी ये सब जीनस पावर श्नाइडर जैसे स्टॉक्स पर, यहाँ अच्छे मोमेंटम आए, यहाँ पे बुक कर लें अब या फिर यहाँ रहेंगे? जून में अनुज अपनी ये बात हुई थी कि पावर मीटर्स में बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी परिवर्तन आ रहा है देश में, 4-5 लाख करोड़ रुपए के मीटर बदले जाएंगे और उसमें 5 साल लगेंगे, और ये सारे स्टॉक्स श्नाइडर, HBL पावर, HPL लिमिटेड, HBL और HPL दो अलग अलग कंपनियां, HPL और आपके जीनस, ये सारे स्टॉक्स 4-5 बैगर्स हो गए इन 6 महीने में, और इनकी सबकी चार्ट्स बिल्कुल कराह रही है, अच्छी खाएंगी, बड़ा करेक्शन इनमें अब आएगा। तो हमने अपने सारे क्लाइंट्स को उनमें से सेल एंड गेट आउट का कॉल ऑलरेडी 2 दिन पहले दे दिया है। आपके निवेशक अपना खुद रिसर्च करके अपना फैसला ले सकते हैं।
ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए सुशील जी, और हमसे बात करने के लिए आज। हैव अ गुड डे। चलिए।